आप बताइए आपके लिए पेड़ काटने वाला प्रोग्राम क्या क्या संदेश देना चाहिए? संदेश यही है कि पर्यावरण के लिए, संरक्षण के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। पार्टी का निर्देश था कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं या पेड़ बांटे जाएं, तो अभी आज हम लोगों ने जो है, हालांकि हमारे सभासद जी जो है लगातार जो क्षेत्र में पेड़ लगवा रहे हैं, और आज हम लोगों ने 1000 पेड़ आज के दिन बांटा है। हम लोग जुमे की नमाज के बाद अच्छा खासा मजमा होता है, तो हम लोगों ने कहा इसका जो है तो फ़ायदा उठाया जाए, पुण्य का काम किया जाए। पेड़ हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण तो बहुत महत्वपूर्ण है, अगर पेड़ नहीं होगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन हमको पेड़ से मिलती है और इससे वर्षा होती है, मतलब तमाम तरह की चीज़ें जो हमसे हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, और लोगों को हम जागरूक भी कर रहे हैं और वितरित भी कर रहे हैं अपनी तरफ से। अभी आज तो हम लोगों ने 1000 पेड़ का कार्यक्रम रखा था, 1000 पेड़ हम लोगों ने बांट दिया, और इससे पहले जो क्षेत्र में हम लोग लगातार पेड़ लगा रहे हैं, हम लोग गाँव में भी जो है बांट रहे हैं, क्योंकि पार्टी का मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ, इस नाते जो पदाधिकारी जो भी 10-20-50 पेड़ ले जा रहे हैं उनको वितरण कर रहे हैं लगातार हम लोग लगातार। अभी जब तक वर्षा चलेगी, ये सितंबर अभी ख़त्म हो जाएगा, तब तक हम लोग पेड़ बांटते रहेंगे। संकल्प तो हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा चाह रहे हैं, लेकिन अभी का लक्ष्य हम लोग हमारा 10000 का पूरा हो गया है, अब आगे देखिए क्या बढ़ सकता है। हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास करेंगे कि बांट दें। पेड़ में हमारे पास सारे फल के पेड़ हैं, अमरूद है, जामुन है, आंवला है, आपका बेल है, और ये करी पत्ता है, नींबू है, करौंदा है, और सहजन है, इस तरह के तमाम पेड़ हैं, लेकिन सारे फल के पेड़ हैं। पेड़ को लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पेड़ यही, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगाएं पेड़, ताकि ये जो हमारे यहाँ से जो देश से पेड़ कट रहे हैं, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगें, उससे हमारा जो ऑक्सीजन का जो चक्र है, वर्षा का चक्र है, सब बराबर बैलेंस हो जाएगा। तो ये संदेश पूरा देश दे रहा है, भारत सरकार भी दे रही है, हम लोग भी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग भी जो है सब संदेश दे रहे हैं। हमारा नाम मोहम्मद आरिफ है।